दोस्तों, अगर आपने यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम दिया था जो 27 जनवरी को हुआ था और अब उसका रिज़ल्ट आ चुका है, और आपको अगर रिज़ल्ट देखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, वेट लिस्टेड हैं, नॉट शॉर्ट लिस्टेड हैं, क्या परेशानी आपको आ रही है, सारी बातों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको क्लियर करूँगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो अब क्या करना है, कैसे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, कैसे आपको ज्वाइनिंग करनी है, वो सारी बातों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर एनएचएम से रिलेटेड या हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। जी हाँ, आज मैं आपको ANM स्टाफ नर्स के रिज़ल्ट के बारे में पूरे इंस्ट्रक्शन क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप रिज़ल्ट देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और समझ नहीं पा रहे हैं तो वो मैं समझाने की आपको पूरी पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको रिज़ल्ट देखने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर डालना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, उसके बाद जब आपका रिज़ल्ट ओपन होता है तो वहाँ पर कुछ कैटेगरी है, किसी के सामने लिखा आ रहा है शॉर्ट लिस्टेड, किसी के सामने लिखा आ रहा है वेट लिस्टेड, और किसी के सामने लिखा आ रहा है नॉट शॉर्ट लिस्टेड, तो किसी के सामने लिखा आ रहा है फेल्ड। चारों बातों के मतलब बताऊंगा और चारों ही सिचुएशन में आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपके रिज़ल्ट में शॉर्ट लिस्टेड लिखा आता है तो आप डायरेक्टली क्वालिफाई कर चुके हैं। जी हाँ, मतलब आपको सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर लेना है और आपकी जॉब सिक्योर हो चुकी है। इस सिचुएशन में क्या करना है, देखिए, आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया था उस डिस्ट्रिक्ट के CMO ऑफिस में आपको जाना होगा, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, आप इस रिज़ल्ट की एक प्रिंट निकलवा लीजिए साइबर कैफ़े से, इस प्रिंट को लेकर और अपने सारे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स आपके हैं वो लेकर आप CMO ऑफिस में जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, उसका वेट आप कभी ना करें। ठीक है, आप सिंपली अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऑफिस में जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और ज्वाइनिंग लेटर भी आपको वहां से मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वेट लिस्टेड कैंडिडेट की, कुछ लोगों के रिजल्ट में वेट लिस्टेड लिखा आ रहा है। देखिए, इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में NHM ने जो रिज़ल्ट निकाला है वो 1:5 के रेशियो में निकाला है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में ANM या स्टाफ नर्स की कुल 20 वैकेंसी है, तो 20 वैकेंसी तो 20 जो अभ्यर्थी हैं वो तो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, लेकिन 1:5 के रेशियो में जो NHM ने रिजल्ट निकाला है उसका मतलब ये है कि 20 के अलावा 4 ऐसे कैंडिडेट और होंगे जो वेट लिस्टेड में डाले गए हैं। मतलब अगर 20 में से कोई भी 4 बंदे अगर ज्वाइनिंग करने नहीं आते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो वो निराश कभी ना अभी ना हो, क्योंकि आपके पास भी चांस है अभी ज्वाइनिंग लेटर पाने का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की। नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, बट उनके जो मार्क्स हैं, जो उनके नंबर आए हैं, वो वेट लिस्टेड कैंडिडेट की कंपैरिजन में कम हैं। एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, मेरिट में वो आ चुके हैं, लेकिन उनके मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, इसलिए वो नॉट शॉर्ट लिस्टेड में आ गए हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं अगर वो ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो वेट लिस्टेड कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। अब अगर वेट लिस्टेड कैंडिडेट भी ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो नॉट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, वो उनके पास भी अभी एक मौका है ज्वाइनिंग पाने का। इसके बाद बात करते हैं फेल्ड कैंडिडेट की। देखिए, जो फेल्ड हैं वो तो फेल्ड हैं, मतलब उनके मार्क्स मेरिट के हिसाब से नीचे रह गए हैं, वो मेरिट में भी नहीं आ पाए हैं, तो वो तो फेल्ड ही माने जाएंगे उनका। तो अब ये है कि जब नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी तो वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट कितने पे गई, कट ऑफ कितने पे गई, अगर इसमें भी आपको अभी कन्फ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ। जनरल जो कट ऑफ गई है वो 33% मार्क्स पे गई है। ठीक है, जो OBC थी वो 30% यानी 30% पर गई है, और SC ST वालों की गई है 24% पर। तो अभी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी मैंने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट
और वेटलिस्टेड कैंडिडेट, नॉट शॉर्टलिस्टेड और फेल्ड, यही चार रिजल्ट आपको मिलेंगे आपके वेबसाइट पर जो दिखाए जा रहे हैं। चारों के ही मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और जो शॉर्टलिस्टेड हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए आप वेट मत कीजिए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएम ऑफिस में जाइए, वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने करवाइए और ज्वाइनिंग लेटर आपको आपके सीएमओ ऑफिस से ही दिया जाएगा। ऑनलाइन अब कोई भी काम नहीं कर रहा है, सारे काम अब ऑफलाइन होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट के जिले के सीएमओ ऑफिस से होंगे। तो क्लियर हो चुका होगा। और अगर ऐसी ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम शॉर्टलिस्टेड हैं, हम वेटलिस्टेड हैं, हम नॉट शॉर्टलिस्टेड हैं, तो क्या करें। तो सबके जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।